हेलो स्टूडेंट्स, नव भारती स्टडी सर्किल पर आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट भी है, न्यूटन्स थ्री लॉज ऑफ मोशन। तो थ्री लॉज ऑफ मोशन न्यूटन के क्या क्या है, कौन कौन से हैं, किस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे, किन एग्जाम्पल्स का यूज़ करके हम अच्छे से उसको समझेंगे, तो आइए हम बात करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। सर आइजक न्यूटन 1643 to 1727 एन इंग्लिश साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियन फेमस फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ द लॉज ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के लॉज उसने बताए थे। ऑल्सो डिस्कवर्ड द थ्री लॉज ऑफ मोशन। ही पब्लिश्ड देम इन हिज बुक फिलोसफी नेचुरलिज प्रिंसिपिया मैथमेटिका। तो इस बुक, ये बुक का नाम है, यहाँ तक आपको जो अंडरलाइन दिख रहा है वो एक बुक का नाम है जिसमें उन्होंने डिस्कवरी की थी जो मोशन के लॉज की, तो उसको इस बुक में उन्होंने डिफाइन किया था अच्छे से। मैथमेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलोसफी इन 1687। तो मैथमेटिक प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं नेचुरल फिलॉसफी के, तो ये क्या है 1687 में उन्होंने लिखा था इस बुक में। टुडे दीज लॉज आर नोन एज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्केल वी एक्सपीरियंस इन आवर एवरीडे लाइव्स। तो ये इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। नॉर्मली हम बात करें मोशन की, मोशन के लॉज की, तो थ्री लॉज ऑफ मोशन को किस तरह से हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट लॉ हमारा रहेगा एन ऑब्जेक्ट इन मोशन टेंस टू स्टे इन मोशन एंड एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट टेंस टू स्टे एट रेस्ट अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स। अगर कोई बैलेंस्ड फोर्स है तब वो किसी भी ऑब्जेक्ट की रेस्ट एंड मोशन पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर किसकी बात हुई है, अनबैलेंस्ड फोर्स की बात हुई है। ये चीज़ आपको देखना इम्पॉर्टेंट है। अनबैलेंस्ड फोर्स है अगर वो किसी ऑब्जेक्ट के रेस्ट स्टेट पर या फिर मोशन पर क्या करता है, एक्ट करता है, तो उसकी रेस्ट पोजिशन एंड मूविंग जो पोजिशन है, जो स्टेट है, उसको चेंज किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, अगर उस पर कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स काम नहीं कर रहा है। सेकंड पॉइंट क्या है, फोर्स इक्वल्स मास टाइम्स एक्सीलरेशन, यानी एफ इक्वल्स टू एम ए, इसको हम क्या कहेंगे, हम इसको सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहेंगे। या फिर फोर्स जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी हम उसको कह सकते हैं, क्योंकि वो क्या होगा, डी पी अपॉन डी टी होगा। एंड यहाँ पर क्या बात हो रही है, एफ इक्वल्स टू एम ए की बात हो रही है, दोनों एक ही चीज़ है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। तो फर्स्ट लॉ को हम डिस्क्रिप्टिव समझ लेते हैं कि क्या है फर्स्ट लॉ। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट टेंड्स टू स्टे एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन टेंड्स टू स्टे इन मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स, ये इसकी डेफिनेशन है। व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या है, एक्चुअल में इसका मतलब है क्या। बेसिकली एन ऑब्जेक्ट विल कीप डूइंग व्हाट इफ what it was doing unless acted on by an unbalanced force. If the object was sitting still, it will remain stationary. If it was moving at a constant velocity, it will keep moving. It takes force to change the motion of an object. यानी कि अगर कोई object motion में है तो वो motion में ही रहेगा अगर external force उस पर काम नहीं कर रहा है, और अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट स्टेट में ही रहेगी अगर उस पर क्या नहीं कर रहा है, कोई एक्सटर्नल या अनबैलेंस्ड फोर्स वर्क नहीं कर रहा है। व्हाट इज मीन्ड बाय अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब क्या है। इफ द फोर्सेस ऑन एन ऑब्जेक्ट आर इक्वल एंड ओपोजिट, अगर इक्वल है ओपोजिट है, दे आर सेट टू बी बैलेंस्ड
एंड द ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस नो चेंज इन मोशन, यानी मोशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा अगर वहाँ एक बैलेंस्ड फोर्स काम कर रहा है. इफ़ दे आर नॉट इक्वल एंड ओपोजिट, अगर फोर्स कैसा है, ओपोजिट है लेकिन कैसा है, इक्वल भी नहीं है, देन द फोर्सेज आर अनबैलेंस्ड एंड द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस. द फोर्स ऑन द बुक आर बैलेंस्ड, ये जो फोर्स है बुक पर वो कैसा है, बैलेंस्ड फोर्स है. यहाँ पर एक बुक रखी गई है इस सरफेस पे और द टेबल पुशेस अपवर्ड ऑन द बुक, द ग्रेविटी पुल्स डाउनवर्ड ऑन द बुक. तो अगर ये दोनों फोर्सेज जो यहाँ पर वर्क कर रहे हैं वो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन में ओपोजिट है, तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है, यानी कि ये बुक पड़ी है यहाँ पर रखी गई है, ये कैसी है, ये रेस्ट कंडीशन में है, रेस्ट स्टेट में है, तो इसकी जो रेस्ट स्टेट है वो चेंज नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर कैसा फोर्स काम कर रहा है, एक बैलेंस्ड फोर्स काम कर रहा है. यानी इस रेस्ट स्टेट को चेंज करने के लिए हमें एक अनबैलेंस्ड फोर्स लाना होगा. अनबैलेंस्ड का फोर्स मतलब क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, अगर दोनों फोर्सेस ओपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं लेकिन एक फोर्स दूसरे से क्या है, अलग है, डिफरेंट है, यानी कम या फिर ज़्यादा है, तो वो कैसा होगा, वो फोर्स कैसा होगा, अनबैलेंस्ड फोर्स होगा. तो जिस तरफ ज़्यादा फोर्स होगा उस तरफ उसकी रेस्ट पोजीशन जो है वो मूव कर जाएगी. यानी अब इस कंडीशन में, यानी कि अनबैलेंस्ड फोर्स के माध्यम से हम किसी ऑब्जेक्ट की रेस्ट पोजीशन को चेंज कर सकते हैं. सम एग्जांपल्स फ्रॉम रियल लाइफ, अ सॉकर बॉल इज सिटिंग एट रेस्ट. ये क्या है, एक सॉकर बॉल है सिटिंग एट रेस्ट. इट टेक्स एन अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ अ किक टू चेंज इट्स मोशन. इसकी मोशन को चेंज करने के लिए क्या किया जाएगा, एक अनबैलेंस्ड फोर्स इस पर अप्लाई किया जाएगा. टू टीम्स आर प्लेइंग टग ऑफ वार, दे आर बोथ एक्सर्टिंग इक्वल फोर्स. वो क्या करते हैं, इक्वल फोर्स को एग्जर्ट करते हैं ऑन द रोप इन ओपोजिट डायरेक्शन. दिस बैलेंस्ड फोर्स रिजल्ट्स इन नो चेंज ऑफ मोशन. अगर दोनों ही क्या करेंगे, फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड में लगाएंगे लेकिन डायरेक्शन कैसी है, ओपोजिट है, तो यहाँ क्या होगा, नो चेंज ऑफ मोशन, मोशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा. नेक्स्ट हम बात करेंगे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज़ आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया. ये लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहलाता है, हमने इसके पहले वाले वीडियो में इनर्शिया की डिटेल्ड स्टडी की थी, तो आपको इनर्शिया पता होगा कि क्या होता है. द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंजेस इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन. यहाँ पर हम रेस्ट भी ले सकते हैं, रेस्ट एंड मोशन दोनों ही स्टेट को वो क्या करता है, चेंज होने से रेजिस्ट करता है. तो वही टेंडेंसी किसी मैटर की या ऑब्जेक्ट की क्या कहलाती है, एक प्रॉपर्टी कहलाती है, इनर्शिया. द फर्स्ट लॉ स्टेट दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव इनर्शिया. द मोर मास एन ऑब्जेक्ट हैज़ द मोर इनर्शिया इट हैज़ एंड द हार्डर इट इज़ टू चेंज इट्स मोशन. तो ये इसी वजह से फर्स्ट लॉ जो है वो क्या कहलाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है. मोर एग्जांपल्स फ्रॉम रियल लाइफ, अ पावरफुल लोकोमोटिव बिगिंस टू पुल अ लॉन्ग लाइन ऑफ बॉक्स कार्स दैट वर सिटिंग एट रेस्ट. सिंस द बॉक्स कार्स आर सो मैसिव, दे हैव अ ग्रेट डील ऑफ इनर्शिया एंड इट टेक्स अ लार्जर फोर्स टू चेंज देयर मोशन. लार्ज फोर्स यहाँ पर काम आने वाला है मोशन को चेंज करने के लिए. वंस दे आर मूविंग इट टेक्स अ लार्ज फोर्स टू स्टॉप देम, यानी अगर वो मूव कर जाए तो उसको स्टॉप करने के लिए भी कैसा फोर्स काम आएगा, एक लार्ज फोर्स काम करेगा. ऑन योर वे टू स्कूल अ बग फ्लाइज इनटू योर विंडशील्ड. सिंस द बग इज सो स्मॉल इट हैज़ वेरी लिटिल इनर्शिया, यानी कि बॉडी का मास जितना ज़्यादा होगा इनर्शिया भी उतना ही ज़्यादा काम करेगा. अगर बॉडी का मास कम है तो वहाँ पर जो इनर्शिया काम करेगा वो भी कैसा होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ इनर्शिया होगा. सिंस द बग इज़ सो स्मॉल इट हैज़ वेरी लिटिल इनर्शिया एंड एग्जर्ट्स अ वेरी स्मॉल फोर्स ऑन योर कार, सो स्मॉल दैट यू डोंट इवन फील इट. यानी इतना स्मॉल होता है कि आप उसको फील भी नहीं करते हो. If objects in motion tend to stay in motion, why don't moving objects keep moving forever? तो अगर मान लीजिए
कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है उस पर एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, मूव ही करता रहेगा हमेशा। तो इसमें ये बोला गया है व्हाई डोंट मूविंग ऑब्जेक्ट्स कीप मूविंग फॉर एवर, हमेशा के लिए मूव क्यों नहीं करता है। थिंग्स डोंट कीप मूविंग फॉर एवर बिकॉज देयर्स ऑलमोस्ट ऑलवेज एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग अपॉन इट। अ बुक स्लाइडिंग अक्रॉस अ टेबल स्लोज डाउन, द बुक स्लाइडिंग अक्रॉस अ टेबल स्लोज डाउन एंड स्टॉप्स बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इफ यू थ्रो अ बॉल अपवर्ड इट विल इवेंचुअली स्लो डाउन एंड फॉल बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूविंग स्टेट में है तो वो हमेशा ही मूविंग स्टेट में होना चाहिए, ऐसा एक क्वेश्चन मार्क हम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हम इस क्वेश्चन को एक तरह से हम पूछ सकते हैं। लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूविंग स्टेट में है तो वो हमेशा मूविंग स्टेट में नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि एक अनबैलेंस्ड फोर्स हमेशा काम करता रहता है, जैसा कि हमने इन दोनों एग्जांपल में समझा है। एक अनबैलेंस्ड फोर्स काम करता रहेगा जो कि क्या करेगा, स्पीड को स्लो डाउन कर देगा और लास्ट में स्टॉप कर देगा। तो कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट हमेशा मूविंग ऑब्जेक्ट मूविंग नहीं रहेगा, क्योंकि एक एक्सटर्नल फोर्स जो कि अनबैलेंस्ड फोर्स है वो काम करेगा। इन आउटर स्पेस अवे फ्रॉम ग्रेविटी, अगर ग्रेविटी की हम बात नहीं कर रहे, एंड एनी सोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन, अवे फ्रॉम ग्रेविटी एंड अवे फ्रॉम एनी सोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन, रॉकेट शिप लॉन्च्ड विद अ सर्टेन स्पीड एंड डायरेक्शन वुड कीप गोइंग इन दैट सम सेम डायरेक्शन एंड एट दैट सेम स्पीड फॉर एवर। अगर हम बात नहीं करें ग्रेविटी की और साथ साथ हम बात नहीं करें किसी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की, तो अगर हम लॉन्च करते हैं किसी रॉकेट को एक सर्टेन स्पीड एंड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो वो हमेशा फॉर एवर वो उसी स्पीड के साथ उसी डायरेक्शन में मूव करती रहेगी। तो ये यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ इस ऑब्जेक्ट के लिए जहाँ पर ग्रेविटी काम नहीं कर रही है, कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा है, तो उस मूविंग ऑब्जेक्ट को हम बोल सकते हैं कि वो हमेशा उसी मूविंग कंडीशन में, उसी यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स इक्वल्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन, एफ इक्वल्स टू एम ए। एक्सेलरेशन क्या है? ए मेजरमेंट ऑफ हाउ क्विकली एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग स्पीड। हाउ क्विकली, तो कितनी क्विकली कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी स्पीड को चेंज कर सकता है, वही क्या है, वही मेजरमेंट एक्सेलरेशन होता है। वाई डज एफ इक्वल्स टू एम ए मीन, वट डज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड एक्सेलरेशन। इमेजिन अ बॉल ऑफ अ सर्टेन मास मूविंग एट अ सर्टेन एक्सेलरेशन, दिस बॉल हैज़ अ सर्टेन फोर्स। नाउ इमेजिन वी मेक अ बॉल ट्वाइस एज बिग बट कीप द एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट। अगर एक्सेलरेशन को कॉन्स्टेंट रखा गया, एफ इक्वल्स टू एम ए सेज दैट दिस न्यू बॉल हैज़ ट्वाइस द फोर्स ऑफ द ओल्ड बॉल। नाउ इमेजिन द ओरिजिनल बॉल मूविंग एट ट्वाइस द ओरिजिनल एक्सेलरेशन, एफ इक्वल्स टू एम ए सेज दैट द बॉल विल अगेन हैव ट्वाइस द फोर्स ऑफ द बॉल एट द ओरिजिनल एक्सेलरेशन। मोर अबाउट एफ इक्वल्स टू एम ए, इफ यू डबल द मास यू डबल द फोर्स। अगर मास को क्या करोगे, अगर डबल कर दोगे तो क्या होगा, फोर्स भी कैसा हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इफ़ यू डबल द एक्सेलरेशन यू डबल द फोर्स, अगर एक्सेलरेशन को भी डबल कर रहे हो तो फोर्स कैसा हो जाएगा, डबल हो जाएगा। मान लीजिए आपने दोनों को एक साथ डबल कर दिया है, मास को भी एक्सेलरेशन को भी, तो फोर्स कैसा हो जाना चाहिए, ये फोर टाइम्स हो जाना चाहिए। वॉट इफ़ यू डबल द मास एंड द एक्सेलरेशन, दोनों को ही डबल कर दिया तो फोर्स जो है पहले के कंपेरिजन में चार गुना बढ़ गया है, चार गुना हो गया है। डबलिंग द मास एंड द एक्सेलरेशन quadruples the force. So what if you decrease the mass by half? अगर mass को half किया जाए, how much force would the object have now? What does F equals to ma say? F equals to ma basically means that the force of an object comes from its mass and its acceleration. Sometimes very massive, high mass को ले रहे हैं यहाँ पर, sometimes very massive, that's changing speed very slowly, low acceleration like a glacier
कैन स्टिल हैव ग्रेट फोर्स. ये ग्लेशियर है, ग्लेशियर के लिए हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि ये मैसिव यानी हाई मास है, समटाइम्स वेरी मैसिव, दैट्स चेंजिंग स्पीड वेरी स्लोली. वो अपनी स्पीड को चेंज करते हैं बहुत ही स्लोली. लाइक अ ग्लेशियर कैन स्टिल हैव ग्रेट फोर्स. समथिंग वेरी स्मॉल लो मास लाइक दिस दैट्स चेंजिंग स्पीड वेरी क्विकली, हाई एक्सेलरेशन लाइक अ बुलेट कैन स्टिल have a great force. Something very small changing speed very slowly will have a very weak force. Newton's third law. अब हम बात करेंगे Newton's third law की. For every action there is an equal and opposite reaction. What does this mean? For every force acting on an object there is an equal force acting in the opposite direction. मान लीजिए कोई एक्शन हो रहा है इस डायरेक्शन में तो उसके ऑपोजिट उतने ही मैग्नीट्यूड में क्या होगा, रिएक्शन होगी ऑपोजिट डायरेक्शन में. राइट नाउ ग्रेविटी इज पुलिंग यू डाउन इन योर सीट. सीट से ग्रेविटी क्या करती है, पुलिंग यू डाउन. बट न्यूटन्स थर्ड लॉ सेज दैट सीट इज पुशिंग अप अगेंस्ट यू विद इक्वल फोर्स. अगर आपको इस चेयर पर बिठा दिया जाए तो ग्रेविटी डाउनवर्ड काम करेगी, उतनी ही अपवर्ड डायरेक्शन में क्या काम करेगा, एक इक्वल फोर्स काम करेगा. लेकिन डायरेक्शन कैसी रहेगी, अगर ग्रेविटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो उस डायरेक्शन जो कि इक्वल फोर्स काम कर रहा है, चेयर आपके ऊपर लगा रही है, वो कैसा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, अगेंस्ट यू. दिस इज वाई यू आर नॉट मूविंग. देर इज अ बैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन यू, ग्रेविटी पुलिंग डाउन, योर सीट पुशिंग अप. सीट तो पुशिंग अप करती है लेकिन ये पुलिंग डाउन कौन करता है, ग्रेविटी. यहाँ पर एक बैलेंस्ड फोर्स काम करता है जिसकी वजह से आप रेस्ट पोजीशन में बने रहते हैं. थिंक अबाउट इट, व्हाट हैपन्स इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन अ स्केटबोर्ड और अ स्लिपरी फ्लोर एंड पुश अगेंस्ट अ वॉल, यू स्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन बिकॉज यू पुश्ड ऑन द वॉल बट द वॉल पुश्ड बैक ऑन यू विद इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, opposite force. Why does it hurt so much when you stub your toe? अगर आप टो को स्टब करते हो तो क्या होता है, आपको चोट पहुँचती है. When your toe exerts a force on the rock exerts an equal force back on your toe. जितना ज़्यादा आप क्या करोगे, पुश करोगे रॉक को अपने टो से, टो पर भी उतनी ही चोट आएगी. The harder you hit your toe against it, the more force the rock exerts back on your toe, and the more your toe hurts. हम इसका रिव्यू देख लेते हैं. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हमने पढ़ लिया, ऑब्जेक्ट्स इन मोशन टेंड टू स्टे इन मोशन एंड ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट टेंड टू स्टे एट रेस्ट अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स. अनबैलेंस्ड फोर्स की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गई होगी कि अनबैलेंस्ड फोर्स यहाँ पर क्यों होता है. न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स इक्वल मास टाइम्स एक्सेलरेशन एफ इक्वल्स टू एम ए. न्यूटन्स थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ओपोजिट रिएक्शन. वोकैबुलरी देख लीजिए, इनर्शिया एक्सेलरेशन वेलोसिटी फोर्सेस, ये है क्या, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंजेस इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट. एक्सेलरेशन अ चेंज इन वेलोसिटी, अ मेजरमेंट ऑफ हाउ क्विकली एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग स्पीड डायरेक्शन और बोथ. वेलोसिटी क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ पोजिशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी. फोर्स स्ट्रेंथ और एनर्जी. तो ये आपकी कुछ टर्म्स थी जो आपको याद रखनी है. आज हमने इस वीडियो में तीनों लॉज की डिटेल स्टडी की है विद एग्जाम्पल. अगर फिर भी आपको कोई डाउट एंड क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. नेक्स्ट टाइम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.